तो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज सैनवा नेट के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम किंगस्टोन फेस वन के पास इस टाइम मौजूद हैं। इसका मेन बुलेवार्ड है और यहाँ पर आज हम आपको इसका जो है विजिट देंगे, क्योंकि जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में आज हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उनको पर वक्त मिलती रहे। जी देवर, जैसे आप देख रहे हैं कि इस टाइम हम मेन बुलेवार्ड 240 फुट रोड है, जो कि अभी नया सोसाइटी ने लॉन्च किया है और इसके ऊपर एक नया गेट भी बन रहा है और ये काम उसी का चल रहा है। और यहाँ से हम होते हुए आज का जो हमारा विजिट है वो किंगस्टोन फेस वन का जो सेक्टर ए सेक्टर बी अली ब्लॉक वो उसकी लैंड जो है वो आज हम आपको दिखाने के लेकर जा रहा हूँ। और वो ज़मीन इसके इस रोड के साथ कैसे लिंक होगी, कहाँ से लिंक होगी, और उसके बाद यहाँ से हम फेस वन की तरफ जाएंगे, जो इसकी मेन बुलेवार्ड जो किंगस्टोन फेस वन के मेन गेट से हम इंटर होते हैं, तो इसकी मेन रोड जो है वो आके आगे दीवार आ जाती है। वो दीवार जब टूटेगी तो वो किस तरीके से इसका आके ए ब्लॉक और सेक्टर ए सेक्टर बी को कैसे वो कनेक्ट करेगी, तो वो सारा एरिया जो है वो आज हम देखेंगे। उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। अच्छा व्यूअर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये अभी हम 240 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर मौजूद हैं, जो जिसका अभी यहाँ पर काम अभी शुरू हुआ है और यहाँ पर डेवलपमेंट भी उसकी हो रही है। ये भी आप देखें, ये सामने रायवंड रोड है, रायवंड रोड से सीधा ये रास्ता आ रहा है और यहाँ से मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये इसका रास्ता है जो कि किंगस्टोन फेस वन की तरफ जा रहा है, और पीछे जो इसकी गली है और जहाँ पर इसकी दीवार हुई हुई है और वो उसकी बैक साइड से अभी हम गुजरेंगे। और ये वाला जो रकबा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किंगस्टोन फेस वन के अंदर, जो सेक्टर ए और सेक्टर बी का जो रकबा है वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, क्योंकि उसकी जो लिंक है वो तो मैंने आपको दिखाया है पहले पीछे से। और आगे हम जा रहे हैं और यहाँ से मैं आपको इसका जो रास्ता है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पीछे ये आप देख रहे हैं कि ये सारी यहाँ पे फसल है और ये इसकी सामने दीवार है, यहाँ पर डेरे वगैरह बने हुए हैं और ये इसके पीछे अभी फसल है, क्योंकि अभी यहाँ पर किंगस्टोन फेस वन की जो सेक्टर ए या सेक्टर बी है उसकी ये लैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी फसल है और यहाँ पर अभी किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट का काम सोसाइटी ने शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर फसल जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जितना रकबा आप देख रहे हैं ये सारा फेस वन का रकबा है और किंगस्टोन फेस वन इसका ये रकबा है, और यही रकबा जो है वो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से जाके इसकी जो गली है, जो इसकी मेन बुलेवार्ड है, वो कहाँ से जाके इसको टच होगी और कहाँ से वो दीवार टूटेगी, तो ये रास्ता जो है सारा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा किंगस्टोन फेस वन के साथ। तो वो क्योंकि इससे पहले आपको ये वाली वीडियो किसी ने भी नहीं दी होगी, तो ये इस तरह की वीडियोस लेने के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम जो है वो आपकी इस तरह की काविशें जो है वो आपके लिए लेकर आता रहेगा। और आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों की जो मोहब्बत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी काविश जो है वो हम आपके लिए करते हैं। और यहाँ आगे चलता हूँ, आगे चलकर मैं आपको सारी लैंड इसकी दिखाऊंगा और वो एरिया भी दिखाऊंगा कौन सी दीवार है जो यहाँ से टूटनी है और टूटने के बाद फिर वो इसके साथ वहाँ से मेन बुलेवार्ड आगे निकलेगी, जो लिंक करेगी जाके किंगस्टोन फेस वन को और उसके बाद गोल्फ इनक्लेव को, तो वो भी मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल आ गई है मेरे सामने, तो उम्मीद है आप दोस्त मेरे साथ हैं। व्यूअर्स, ये वो सारा एरिया है जो किंगस्टोन सेक्टर ए और सेक्टर बी, इसी तरीके से वो अली ब्लॉक, ये अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे सीधा करते हैं, तो ये आप देखें, ये यहाँ पर आपको वो बाउंड्री लाइन नज़र आ गई है। ये यहाँ से ये दीवार जो है वो सारी यहाँ पे टूटेगी, ये वाली वो दीवार है और इसके सामने बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है। हम मज़ीद यहाँ गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं तो कौन सा वो एरिया है। तो व्यूअर्स, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये वो बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे, और इसके बाद ये फिर पीछे इसके साइड बोर्ड लगा हुआ है, जो अगर आप किंगस्टोन फेस वन के मेन गेट से जब आप इंटर होते हैं तो बिल्कुल एंड के ऊपर जब दीवार पे आते हैं तो वहाँ पर आपको ये वाला बोर्ड जो है ये आपको नज़र आता है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये आपको सिटी सेंटर कमर्शियल रायवंड रोड, आपको ये देखें, ये इसके पीछे बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको अभी आइडिया हो गया होगा
कि ये स्मार्ट होम्स है, इसके आगे जो घर बने हुए हैं वो भी हैं, और ये इसकी बैक के ऊपर ये वाली वो लैंड है जहाँ पर ये सेक्टर ए, सेक्टर बी, अली ब्लॉक, लेक व्यू कमर्शियल, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो इस लैंड के ऊपर आ रहे हैं। और ये मैं आपको उधर से जो लेकर आया हूँ वो भी सारा एरिया जो है वो आपको गली में दिखाई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक रोड है जो कि इसके अंदर से निकल रहा है और इसके पीछे फिर आपको ये वाली वाल जो है वो नज़र आ रही है। जब ये वाल गिरेगी तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट आगे जो है वो स्टार्ट होगी। इसके आगे फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो गोल्फ इनक्लेव है तो वो भी इसी के साथ आगे चलकर आएगा। तो ये वो सारा एरिया है व्यूअर जो मैंने आपको दिखाना था, और काफ़ी सारे दोस्त थे जो हमें बार बार इसके लिए फोर्स कर रहे थे कि हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आएँ जिसमें हम आपको सेक्टर ए की जगह, सेक्टर बी की जगह और अली ब्लॉक और लेक व्यू कमर्शियल सारे वगैरह जो है वो उनकी लैंड जो है वो हम आपको दिखाएँ। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम वापस आएँ तो ये आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वो सारा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके साथ फिर वो आगे अगर आप और थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर आपको वो सारे घर जो हैं वो यहाँ पर बने हुए नज़र भी आ रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको और भी रिव्यू में दिखाते हैं। ये आप देखें, ये वो सारा किंगस्टोन का फेस वन का जो सारी लैंड है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। स्मार्ट होम जो है वो यहाँ पे बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये वो सारा एरिया है, ये आप देख लें। और इसके साथ ही इंशाल्लाह आपको मुझे यहाँ से आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह इस तरह की अगर किसी किस्म की आपको यहाँ पे सेल परचेज़ करनी हो किंगस्टोन फेस वन में, किंगस्टोन फेस टू में, इसके अलावा जो कनाल 10 मरला 8 मरला की कटिंग है उसके अंदर अगर आपको कोई प्लाट वगैरह चाहिए हो, या इसके अलावा आप किंगस्टोन फेस वन में ऑन ग्राउंड प्लाट होम्स वगैरह जो बने बनाए घर आपको चाहिए हो, तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल से, इस चैनल के तोसे से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। तो किसी किस्म का कोई सवाल हो तो उसके लिए आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।